जाओ यहाँ से। ऑटो। हाँ? हाँ मैडम फ्रीडा। जाओ जाकर पत्रिका लेके आओ जिससे हमें पता चले कि आखिर ये है क्या। अब जाकर हमें उन लोगों का पता चलेगा। तो इजिप्टियंस, मुझे तो ऐसा लगता है मैडम फ्रीडा। एक मिनट रुको, ये यहाँ आए कैसे? तो ये इसका कमाल है, इन्हें बंदी बना दो। हो गया मैडम फ्रीडा। बहुत अच्छे, अब हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये यहाँ कर क्या रहे थे। अरे ये क्या? क्या ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। बोरस तुम क्या कहते हो इस बारे में, बताओ। कुछ नहीं प्रोफेसर, मैंने देखा कि इसमें से रोशनी आ रही थी और उसके बाद फिर हम यहाँ टपक गए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये साइरस का रथ है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे युग में पहुँच गया हूँ। समय और युग में यात्रा करने की मशीन, ये कैसे संभव हो सकता है? ये एक चाल है प्रोफेसर, मुझे इन पे विश्वास नहीं है। देखो हम कहीं समय के आगे नहीं आए हैं, ये वैसा ही है जैसा पहले था। ये साइरस का रथ चमत्कारिक शक्ति रखता है, तुम नहीं समझोगे इस बात को। एक मोटी और भद्दी औरत इसे लेकर भाग गई थी। गंदी और भद्दी औरत? हाँ, फ्रीडा होगी वो प्रोफेसर, वो फ्रीडा ही थी शायद। हाँ हो सकता है। मेरे सहायक ने उस पत्थर को खो दिया था और फिर वो उस मोटी और भद्दी औरत को मिल गया कहीं से। पर ये काम कैसे करता है? जब चांद सातवें बादल के बीच में छुप जाता है और सूरज जो है वो उगने की घड़ी पर होता है, उस वक्त साइरस के रथ में से प्रकाश निकलता है और ये काम करता है। ऑटो, तुम इन्हें मेरे सामने ले आओ। ठीक है मैडम फ्रीडा। यहाँ आ जाओ। ओ महान नारी। मैं सब जानती हूँ, मेरा ये आविष्कार तुम्हारे बारे में सब राज खोल देगा, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। थॉमसन जिस आविष्कार पर लगा हुआ है, क्या तुमने उसके गुप्त राज किसी को बेचे हैं? बताओ बताओ मुझे। जरा एक मिनट ठहर जाओ मैडम फ्रीडा। डैडली। बोलो क्या हुआ साइमन? मुझे पता लगाना ही होगा। ऑटो। हाँ मैडम फ्रीडा। तुम जाकर थॉमसन को ढूंढो और वो पिरामिड लेकर आओ इजिप्ट से। जैसा तुम कहो महान नारी। बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। ऑटो यहाँ सब तैयारी करके रखना। जी हाँ, तैयारियाँ पूरी रहेगी फ्रीडा। हम तुम्हारे युग पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे ग्रेट फैरो। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही चाहिए और तुम करोगे ही। चलो बोरिस, हम फ्रीडा से मिलकर आते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है प्रोफेसर, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ए, सुनो तुमने ये कैसे बोल दिया? तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। क्या तुम लोग लड़ाई बंद करके काम की तरफ बढ़ोगे? ठीक है प्रोफेसर,